वक्त मैं मौजूद हूँ इजमीर टाउन कमर्शियल मार्केट के अंदर लाहौरी नाश्ता पे, जहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से सीन्स बने हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार हलवा पूड़ी और डिफरेंट नाश्ते के आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, फैमिली से भी गपशप करते हैं और देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से फूड आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं और देखते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे लोगों का किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे अभी एक सुबह का यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो बहुत ही मज़ेदार है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, इनसे गपशप करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे लाहौरी नाश्ता पे उनका एक्सपीरियंस किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले साहब, मैं बेहतरीन, आप बताएं, खैरियत से हैं? ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका लाहौरी नाश्ता पे? सर वंडरफुल, इससे अच्छा नाश्ता मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल सकता। आटे की पूरी और जो इनका हलवा मीठा पूरा, ये आपको कहीं पे पूरे लाहौर में नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं मैम कि क्या क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया नाश्ते में? इनकी मटन की और चिकन की टिक्की बहुत मज़े की है और लस्सी बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है, सब कुछ जो है बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा है ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अंकल से जानते हैं, अंकल आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है और लोगों को रेकमेंड करेंगे कि आप लाहौरी नाश्ता पे विजिट करें? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम देखे पूरा फेज 8 डिफेंस से पूरी फैमिली यहाँ और हमारे और अजीज सब इधर नाश्ते के लिए आए हैं, तो इनकी तो एक ये है कि आटे वाली पूड़ी बड़ी ज़बरदस्त है और इनकी ऑप्शन है कि आप मैदे वाली पूड़ी लेना चाहें तो ले लें। फिर इनका मीठा पूड़ा बहुत अच्छा है, इनकी मटन की टिक्की बहुत अच्छी है, लस्सी बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है। जी मैम, आप बताइए कि आप रेकमेंड करेंगी बाकी तमाम लोगों को यहाँ पे विजिट करें? जी मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आके ये टेस्ट ट्राई करें यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट हलवा पूड़ी मिलती है और स्पेशली लस्सी भी ट्राई करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लस्सी भी बहुत अच्छी है। चलें जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लाहौरी नाश्ता पे। इस मीड टाउन के अंदर ये लोकेशन मौजूद है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे मज़ेदार खाने, मज़ेदार नाश्ता इंजॉय कर सकते हैं।